गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोग से मैं चाइना पाम के बारे में केयर टिप शेयर करूंगी और किस तरह से हम इसकी मिट्टी तैयार करें और कौन से फर्टिलाइज़र हम इनमें यूज़ करें। तो यह चाइना पाम का प्लांट है और यह इंडोर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आप लोगों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े होटलों में भी इसके प्लांट्स देखे होंगे। ग्राउंड में यह प्लांट बहुत काफ़ी बड़ा हो जाता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। इनकी पत्तियां काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन आप इन्हें घर पर भी लगा सकते हैं गमले में। और इसे इसकी पत्तियों की खूबसूरती के कारण ही इंडोर रखा जाता है। इंडोर रखने से इनकी पत्तियाँ बहुत ग्रीन रहती हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो ये देखिए, ये मेरा प्लांट है और इसे मैंने 10 इंच के पॉट में, प्लास्टिक पॉट में लगाया है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। इस तरह से मेरा प्लांट है। इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। यह प्लांट स्लो ग्रोविंग प्लांट है, इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है। तो चलिए इसकी मिट्टी के बारे में बातें करते हैं। तो इसके लिए आप एक भाग गार्डन की मिट्टी और एक भाग सेंड, एक भाग कंपोस्ट, चाहे वर्मिक कंपोस्ट हो, चाहे लीफ कंपोस्ट हो, चाहे काऊ डंग कंपोस्ट हो, ले लीजिए और इन तीनों को मिक्स करके इसकी मिट्टी तैयार कीजिए। अब सनलाइट की बात करते हैं कि कैसी जगह पर इसे रखना चाहिए। तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट जिस जगह पर आती है, ऐसी जगह प्लेस कीजिए जिससे इनकी पत्तियां बहुत ग्रीन रहेंगी। इसे ऐसी जगह रखें जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता हो और सूर्य की रोशनी इनडायरेक्ट आती हो, मतलब जहां पर अच्छे से उजाला हो, रोशनी हो, ऐसी जगह इसे आप प्लेस कीजिए तो यह प्लांट अच्छे से ग्रोथ लेगा। इसकी ग्रोथ फरवरी से लेकर सितंबर तक का रहता है, नवंबर तक का रहता है। आप इसे फर्टिलाइज़ भी कर सकते हैं इस समय में। लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा रहता है चाइना पाम के लिए, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए जिससे रिजल्ट जल्दी दिखता है। पाउडर फार्म में भी आप फर्टिलाइज़र देंगे, लेकिन वो भी स्लो रिलीज खाद है, तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए जिससे जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए इनकी पत्तियाँ किस तरह की होती हैं। इनकी पत्तियाँ बिल्कुल पंखे के समान होती है, चारों तरफ से कुछ इस तरह से दिखती हैं। और जब इनकी पत्तियाँ शुरू में जब निकलती हैं, तो देखिए मेरे इस प्लांट में ये पत्तियाँ अभी न्यू आ रही हैं। और ये देखिए इस तरह से ये पत्तियाँ बिल्कुल धीरे धीरे खुलेंगी। ये देखिए इस तरह से इनकी पत्तियाँ हैं और ये धीरे धीरे खुलकर कुछ इस तरह से हो जाएंगी, पूरी फैलकर पंखनुमा बन जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। आप इस प्लांट को सुबह शाम वाटरिंग कीजिए, और इन्हें वाटरिंग तभी कीजिए जब इसके मिट्टी, इसके गमले की मिट्टी सूखी रहे। तो आप एक बार देख लीजिए, मेरे गमले की मिट्टी में थोड़ा नमी है क्योंकि आज मैंने इसमें पानी डाला है, तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, उसके बाद ही वाटरिंग कीजिए। ओवर वाटरिंग से हमेशा यह प्लांट ख़राब हो जाता है, और आप ध्यान से वाटरिंग कीजिए। आप कभी कभी गीले कपड़े से इनकी पत्तियों को साफ़ कर लीजिए जिससे इनमें अच्छी शाइनिंग दिखेंगी, या फिर वाटर बॉटल से, स्प्रे बॉटल से आप इस तरह से, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, सावरिंग कीजिए तो आपका प्लांट बहुत सुंदर रहेगा और इनकी पत्तियाँ बहुत चमकदार बनेंगी। कभी कभी आप इनमें एक चम्मच फंगीसाइड पाउडर इस गमले के किनारे किनारे इस तरह से यहाँ पर डाल दीजिए और डालकर गुड़ाई कर दीजिए, जिससे इसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
फर्टिलाइज़र जिस समय हम मिट्टी तैयार करते हैं उस समय तो हम फर्टिलाइज़र देते ही हैं, और उसके बाद इन्हें 5 से 6 महीने बाद एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट इनकी पत्ती इनकी गमलों में डालकर गुड़ाई कर दीजिए, तो यह प्लांट अच्छे से ग्रोथ लेने लगेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा बेटर रहता है, तो समर में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो देखिए ये चाइना पाम है और मेरे ये प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं और इसे इंडोर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट के बारे में जो आपको केयर टिप्स बताया है, यदि आप लोग को यह अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए आगे कोई राय मिल सके। तो ओके फ्रेंड्स, इस सुंदर सुंदर पाम की वैरायटी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। बाय।